लक्ष्मी चावल बासमती वाले चावल और बना रही है दाल और चावल और उसके साथ ठुंगार दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आज के मेरे न्यू ब्लॉग में। आज की ब्लॉग की शुरुआत करें मैं सुबह से, और सुबह की बज रही है 9। हम जा रहे हैं घास काटने के लिए। अब मौसम हो रखा है बहुत अच्छा, बहुत अच्छी धूप आ रही है आज। कल और परसों मौसम थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। और आज हो रखा है मौसम बहुत अच्छा। आज हमारे की घास के लिए, हम कल भी नहीं आए थे घास के लिए, और आज हमारा फाइनल घास है। फाइनल आज हमारे घास की छुट्टी हो जाएगी, मतलब आज हमारा घास फिनिश हो जाएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो मौसम दिखाती हूँ आज का, तो गाइस आप देख सकते हो आज का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है आज का मौसम। और हम चलते हैं घास के लिए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका आज के अपने न्यू ब्लॉग में। अरे बेट खाया जा लुई ना नहीं खाता हम क्या बनाई था अभी हम तू घर से जाई हम। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं अपने खेत में। तो गाइस अब हमने घास काट लिया, अब हम घर की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पे देवर जी खड़े हो रखे हैं, और वहाँ से आगे से आ रखी है दीदी, और मैंने पिसा रखे हैं यहाँ पे घास। और अब चलते हैं हम घर की ओर, थोड़ा आराम करते हैं, पानी वानी पीते हैं। ये हमारा बगीचा है, यहाँ पे हम बैठते हैं। दोस्तों फाइनली हमने घास काट लिया है, अब हम घर जाते हैं, और अब मिलती हूँ मैं आपको घर में। तो गाइस फाइनली अब घर में पहुंच चुके हैं, और हमारी गाय आ चुकी है। मैं उनको बांधने के लिए अपने छन में आ रखी हूँ। तो हमारी जो गाय भी आ रखी थी, छोटी सी बछड़ी है, और उसको पिलाना भी दूध, क्योंकि अभी बहुत छोटी है और उसको दूध पिलाना है। और उसके बाद चलती हूँ मैं घर में। और मेरी दूसरी गाय भी आ चुकी थी, उसको बांधने के लिए आई मैं, उसको दूध पिलाने के लिए। एक साथ दो काम हो गए, मैं घर में जाती हूँ, देखती हूँ सुखिया कैसे तानी करी। दोस्तों ये लटक रखी है हमारी दो लौकियाँ, और वहाँ से कुछ आवाज़ आ रही है, शायद देवर जी कुछ कर रहे हैं, देखती हूँ जरा। पहले एक अमरूद तोड़ते हैं, अमरूद खाते हैं। तो दोस्तों मैंने तोड़ लिया अमरूद, अब हम इसको खाते हैं। देवर जी यहाँ पे कर रहे हैं खुदाई। अरे वाह क्या जलवा है। ये हमारा खेत है, इसमें हम कुछ बूतेंगे अब। क्यों बोलते अंदर जाओ। दोस्तों अमरूद हो रहा है बहुत मीठा रसीला। आहा तो दोस्तों अब हो चुकी है श्याम, और अब मैं जा रही हूँ सतपुली। मुझे अर्जेंट किसी कारण मुझे सतपुली जाना पड़ रहा है, और मैं अभी जा रही हूँ सतपुली। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। पता नहीं सतपुली पहुँचने में रात होती है कि नहीं, वैसे मैं आंखें भी देखती पता नहीं स्कूटी चला पाती हूँ कि नहीं, तो देखते हैं दोस्तों मैं सतपुली पहुँच पाती हूँ टाइम से कि नहीं। गाइस अभी बज रही है 4:30, और 5 बजने को है, मतलब 20 मिनट है। और अब देखती हूँ मैं सतपुली कितने टाइम पर पहुँचती हूँ। तो दोस्तों अब करती हूँ मैं अपनी एक्टिवा को स्टार्ट, और चलते हैं सतपुली के लिए, होते हैं रवाना। तो गाइस अब देखती हूँ मैं कितने बजे पहुँचती हूँ।
तो दोस्तों अब पहुंच चुकी हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ से सतपुली है 24 किलोमीटर, और गाइस अभी जाना है मुझे 24 किलोमीटर आगे, अभी मुझे और जाना है, तो दोस्तों देखते हैं। तो गाइस अब पहुंच चुकी हूँ मैं 17 किलोमीटर, अब रह रखा मेरे लिए सतपुली 17 किलोमीटर, अभी मुझे आगे और जाना है। और दोस्तों बहुत ठंड लग रही है क्योंकि अब पहाड़ों में बहुत ठंड होने लग गई, और अब देखती हूँ कुल्फी जमती है क्या जमती है, मुझे बहुत ठंड सी लग रही है दोस्तों। और ये टप बंद हो रखा है, तो गाइस अब पहुंच चुकी हूँ मैं फाइनली सतपुली में, और बहुत ठंड लग चुकी है। तो गाइस अब मैं पहुंच चुकी हूँ सतपुली में अंकी के घर में, और अंकी ने मेरे लिए बनाई बहुत गरम गरम कॉफ़ी कि मुझे बहुत ठंड लग गई थी, मतलब हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मैं आधे से मैं स्कूटी नहीं चला पाई थी, बहुत मुश्किल से मैं यहाँ पहुंची हूँ, बहुत ठंड लग गई थी मुझे। और अब कॉफ़ी पी के थोड़ा रिलैक्स लग रहा है, थोड़ी हीट आ गई शरीर में, और अब बनाते हैं हम खाना, उसके बाद मिलेंगे हम आपको, देखते हैं अंकी क्या बनाती है, अब खाना पीना बनाते हैं, मिलती मैं आपको तब खाने बनाते टाइम। तो गाइस अंकी बना रही है खाना, और खुशबू आ रही है बहुत मस्त कि दाल अंकी बना रही है दाल, और इसने ला रखे हैं जो लक्ष्मी चावल बासमती वाले चावल, और बना रही है दाल और चावल, और उसके साथ उसके साथ बना रही है वो ठुंगार में हरी सब्जी, जो कि मेरी फेवरेट है, हरी सब्जी मेरी फेवरेट है। और जो ये दाल बना रही है, हाँ खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है ना कसम से, पता नहीं क्या जादू है इसके हाथ में, कुछ और डालेगी ना तो फिर भी हाथ में मतलब खुशबू आती है। अब देखते हैं जितनी खुशबू आती है उतने खाने में आती है, ये बन रही है अभी, खाना मान रही है अभी। तो दोस्तों अब बना रहे हैं हरी सब्जी, तो और इधर चल गया है छिटका तड़ाम कन्वर्ट में, दो लाइन से दे देगा उसे गर्म में। ये है हमारी हरी सब्जी, तो दोस्तों फाइनली हमने खाना बना लिया है, और अब हम खाना खाते हैं, और आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया हो, अब मिलती हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड नाइट, अंकि गुड नाइट बोल, गुड नाइट। तो गुड नाइट दोस्तों, अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, अब मिलती हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में। पोसी के चैनल थे सब्सक्राइब करें, थैंक यू, बाय टाटा।